हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपनी छत पे और मुझे फैलानी है कपड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छत से अपने आसपास का नज़ारा। देखना, और इधर देखिए, तो फ्रेंड्स पहले तो मुझे थोड़ी सी झिझक होती थी शूटिंग करने में, अब नहीं होती क्योंकि मुझे पता है मेरे ब्लॉग कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं बिंदास शूटिंग कर लेती हूँ। मुझे शर्म आती थी लेकिन अब नहीं आती क्योंकि कोई देखते ही नहीं है, तो शर्म खाएगी। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, और ये है 4 मई का दिन और मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ता क्योंकि मुझे जाना है अभी कहीं, और पहले मैंने सोचा तैयार हो जाऊँ उसके बाद नाश्ता करूँ, लेकिन भूख लग रही थी ना कस के, तो फिर मैंने कहा पहले खा लेती हूँ उसके बाद। आप देख रहे हैं मेरे बाल खुले हुए हैं, तो मैं मतलब चोटी बनाने वाली थी लेकिन मैंने कहा पहले मैं खा लेती हूँ उसके बाद चोटी बनाऊँगी। तो मैंने मतलब दरअसल मुझे जाना था वोट डालने के लिए, तो पास में ही है, तो मैंने कपड़े भी ऐसे ही पहने थे कि मतलब वैसे मैं ज़्यादातर घर पर छुट्टी होती है तो मैं ऐसे ही पहनती। ये देखो, ये मेरी पर्ची दिखा रहा है वोट वाली, जो वोट वो जो उम्मीदवार दे के जाती है ना पर्ची, वही वाली। तो मैंने इसलिए ऐसे कपड़े पहन ली कि मुझे घर पर काम भी करना है तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, मैं चली भी जाऊँ तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले वोट डाल के फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो फिर वही लगा रहता है घर के काम तो कभी फ्री निपटते नहीं है, मतलब उनसे फ्री तो होते नहीं है और वो ही लगा रहता है, फिर तैयार हो फिर कपड़े पहनो फिर चेंज करो। तो मैंने सोचा कि वोट डाल के आ गई हूँ मैं, और ये देखो मैं ये नहीं बताऊंगी किसको वोट डाला लेकिन वोट डाल दिया, और अब बाकी के काम छोड़ के गई थी तो वही करूँगी। और आज बनाऊंगी मैं शाम को करेले की सब्जी, सुबह पराठे बना दिए थे सब लोगों ने खा लिए, तो पहले बाकी का काम करूँगी अपना, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। यार बंद तो कर दिया करो, तुम तो बंद ही नहीं करते वाले। तो चलिए वही लग जाते हैं अपने उसी काम पे जो हम औरतों का पहला काम होता है, साफ़ सफाई करना, क्योंकि और फिर मुझे तो एक ही दिन मिलता है तो जब भी छुट्टी का दिन मिलता है तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो साफ़ सफाई करो क्योंकि रोज़ फैलने वाली चीज़ होती है। तो बस मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, इतना ज़्यादा होता नहीं है वैसे गंदा क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग के लिए तो छुट्टी का दिन ही बेटर रहता है। तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम में, और इधर पहले मैंने चादर निकाल ली थी उसकी, और ये आप पलंग पे जो गद्दा बिछा था ना मैंने उस पर भी 2 चादर सिल के उनका खोल जैसा बना दिया था जिससे ये गद्दा गंदा नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं कि दिन भर में चादर को बिल्कुल सिकोड़ देते हैं, समेट के बीच में कर देती है तो वो गद्दा भी गंदा हो जाता है। तो मैंने फिर ये 2 चादर सिल के मतलब खोल जैसा बना दिया था उसका, तो जब कभी भी ये गंदा हो जाता है ना तो मैं इसको भी उतार के मतलब धो देती हूँ, तो मतलब डबल सेफ्टी हो जाती है क्योंकि गद्दे को तो धो नहीं सकते। तो बस मैंने चादर हटा दी है इसकी और धोऊंगी नहीं चादर को, केवल झाड़ूंगी क्योंकि मैंने अभी धोई थी और झाड़ू लगा ली है मैंने कमरे की झाड़ू लग गई और मैं चादर बाहर से झाड़ के ले आई मतलब, और अब मैं चादर इस पे बिछा दूंगी। और ये बाहर की गैलरी है, वहाँ पे भी मैंने सोचा अब लगे याद थोड़ा सा कर ही लूँ क्योंकि फिर पता नहीं समय मिलता है कि नहीं मिलता, कभी नज़र पड़ती है ना तो टाइम नहीं होता और टाइम होता है तो फिर मतलब वो दिखता नहीं है कुछ, जाले वैसे है नहीं। तो बस मैंने थोड़ा सा वहाँ पे भी झाड़ लिया था,
और कमरे का लगाना था मुझे पोंछा, लेकिन मैंने सोचा पहले मैंने सोचा धो देती हूँ इसको मैं, क्योंकि धोना ज़्यादा आसान है। और ये देखो ये झाड़ू से मतलब बैट बॉल खेल रहा है, बिल्कुल बहुत ही शरारती है। और सच्ची बताऊँ शूटिंग करने में मेरी मदद कर देता है कभी कभी ये, नहीं तो मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ। और फिर भी ठीक है, ब्लॉग शायद आप तक पहुँच नहीं पाती या कुछ भी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो पहुँचेंगे आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कोई सुन रहा है मेरी बात को, तो बस इसी वजह से मैं तो ये मैंने कमरे को पूरा धो दिया है। धोने से ठंडा भी हो जाएगा और जो कोनों कोनों में धूल रहती है ना, जहाँ पे पोंछा नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर भी पानी की से कचरा पूरा निकल जाएगा। तो बस नीचे धो के मैंने धो लिए थे थोड़े से कपड़े, उसकी मैंने शूट नहीं किया था, वीडियो बड़ा हो जाता। तो बस कपड़े धो के मैं आई हूँ छत पे फैलाने के लिए। और फ्रेंड्स मुझे बनानी थी आज करेले की सब्जी, वो मैं बनाऊंगी तो, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी उस चीज़ को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं हो सकेगा तो अगले वीडियो में उस रेसिपी को शेयर करूंगी, मैं शूट कर लूंगी, लेकिन आज शेयर नहीं करूंगी मैं। और आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। एक तो मतलब वैसे भी थोड़ा मेरा चैनल फेमस नहीं है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवा देना, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपने बहनों से, भाइयों से, मतलब सबसे कह के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, तो थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स थोड़ा भी जो भी मेरे भाई बहन रिश्तेदार जिनके पास भी मेरा वीडियो पहुँच रहा है, तो बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना और लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि भाई आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है काम करने के लिए, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।